मेरा दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये खुदा की अमानत है माँ का दिल मत दुखा, किस्मत वाले जिनके माँ होती है। एक बात कहूंगा भैया, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी पत्नी आ जाए और दिन रात कांते लगी रहे और तुम उसे खुश करने के लिए कभी माँ के ऊपर टूट पर उल्टी सूधी बात करो तो जरा सोच समझ के करना, क्योंकि ये जो कल से आई है ना, इसने तुम्हें पैदा नहीं किया है, उसने तुम्हें पैदा किया है। और उन बहुओं से भी कहना चाहता हूं, ठीक है तुम अपने पक्ष में रखो, लेकिन ऐसा अपने आदमी को मत भरो कि वो अपनी माँ का अपमान करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा मत भरो, इतना मजबूत मजबूर मत करो आदमी को कि अपनी माँ से खिलाफत में आ जाए और अपनी माँ से कहने के लिए मजबूर हो जाए। बार बार है ना, नारी अपने आदमी को भरेगी, तुम्हारी माँ है ऐसे कह रही थी, अरे तेरी भी तो माँ है ना। जो इस बात को शब्द को कहती है वो नारी नहीं है, वो डाहिन है। ये तुम्हारी माँ है, है तो तेरी माँ नहीं है तो तू इस घर में क्यों रह रही है। अपने पति को इस बात पे मजबूर न करें कि वह माँ से कहीं दूर चला जाए। माँ का दिल मत दुखा, माँ का दिल मत दुखा, ये खुदा की अमानत है माँ। माँ का दिल मत दुखा, सिर्फ कुर्बान ही, सिर्फ कुर्बान ही जिसका दस्तूर वो ही है माँ। माँ का दिल मत दुखा, माँ की कभी खाली नहीं जाती, माँ दुआ दे या बद्दुआ मगर भगवान से खाली नहीं जाती। चार चार बच्चों का पेट पालती है एक माँ, मगर चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ का दिल मत दुखा, ये खुदा की अमानत है माँ, इसका दिल मत दुखा। दामन भरा उसने किरदार से, तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से, नन्ही सी जान पर
किसी जान पर बन के साया नहीं तो है माँ, इसका दिल मतलब का मेहरबान है तुझ मेरा तो दिया भी कुर्बान है, माँ के दिल रूप में रब मेहरबान है, सब जिसका जिसका जमाने में मशहूर है तो है माँ, इसका दिल मत दुखा। वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा, यहाँ तो जग नहीं तेरी दुश्मन नहीं तेरी जन्नत है वो तेरी माँ, डांट खा करके जो चुप रह गए माँ के सामने जो बोले नहीं वो एक दिन बहुत महान बने, और जो माँ बाप पे टूटते रहे हैं वो एक दिन बहुत नीचे गिर गए हैं। माँ की डांट खा के चुपचाप रह जाइए, ज्यादा बुद्धिमान नहीं है वो, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और उसके पास दिल का और प्रेम का बहुत बड़ा खजाना है, उसके पास दुआओं का बहुत बड़ा खजाना है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। उस खजाने को तुम जवाब दे दे करके बर्बाद मत करना, मौन साध करके डांटों को स्वीकार करके चरण पकड़ते हुए क्षमा मांगते हुए कुछ दिन व्यतीत करना, तुम्हें बहुत ऊंचाइयां प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो खुदा की अमानत है, भगवान की अमानत है। तेरे जीवन में
ज्यादा बुद्धिमान नहीं है माना, लेकिन दिल का खजाना बहुत है उसके पास। पता है बलिदान कितना मशहूर है मां का, क्या कहती है? जैसे कुछ नारियां ऐसी आ जाती हैं कुलक्षिणी कि जब साल दो साल में न्यारी हो जाती है, फिर अपने पति को उसकी मां के पास नहीं जाने देती है। यदि अपनी माँ के पास मिलने गया तो ये कहती है क्या तो मई वही के संग रह ले के मेरे संग रह ले, और ये बात माँ को मालूम पड़ जाए ना तो वो अपने बेटा से कहती है बेटा तेरी घरवाई लड़ते है ना तू यहाँ आवत पाए, बोले हाँ तो तू यहाँ मत आओ करे तू वही रह कर, पर काउ के द्वारा जो सूचना भेज दो कर कि मैं ठीक हूँ मैं खुश हूँ, तू खुश रहे तेरी घरवाई खुश रहे, मैं तो जई में खुश हूँ, मैं तो हाथ पांव चल बिल्कुल घाट पे धरिए तो का कहेगी मैं तो हाथ पांव चल रहे हैं हैं मैं तो कर खा लूंगी, तू आता है ते ते तो ते कलेश करती है ना बाद में, तू मत आओ करे अपने कलेजे के टुकड़े को और बहू के हाथों में दे देती है कि ले हैं, पर तू खुश रहे। ऐसा बलिदान कोई कर सकता है क्या हैं? कभी कोई लेखा जोखा नहीं मांगती है कि मैंने इतना दूध पिलाया, मैंने ऐसा करो, मैंने वैसा करो। हाँ कभी समझावे के लिए कह दे वो अलग बात है, हैं? लेकिन पूरा बलिदान कर देती है ऐसा त्याग। और मैं उन बच्चों से तो विशेष प्रार्थना करूंगा जो माँ बाप को कभी कभी अपना दुश्मन समझने लगते हैं। अरे दुश्मन नहीं है वो, तुम्हारे भले के लिए ही वो कुछ कर रहे हैं कह रहे हैं, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पा रहे, उसे समझ नहीं पा रहे हैं।
जिस कलेजे के टुकड़े को जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, दुश्मन बनेंगे हैं? लेकिन दुश्मन तो तू है, है? जो तू अपनी माँ की बात भी नहीं समझ पा रहा है, तुम अपनों की बात ही नहीं समझ पा रहा, तुझे तो दुश्मनों की बातें अच्छी लगने लगी हैं, इसलिए तेरे अपने तुझे दुश्मन लगने लगे हैं। छोटी छोटी बातों पर माँ से शिकायत कर बैठते हैं, माँ से दुश्मनी लेने लगते हैं। और यहां तक कि मैंने तो ऐसा देखा है कि जब बहुत ज्यादा दुश्मनी मान लेती है ना औलाद, तो माँ एक ही बात कहती है कि मैं हाथ तो उठाएंगे नहीं तो मारवे के ले चुक, मैं तो तू मेरो तो पौधा है ना, पर यदि तू पैसे के तो तू मैं मार दियो, तो मैं इतनी बुरी लग रही हूं तो तू भले ही मार दे, पर मेरे हाथ मारवे के लिए उठने वाले नहीं है, मुंह पे तो तू मरेगा नहीं, दुश्मन है। माँ का दिल ना दुखा, ये खुदा की अमानत है माँ का दिल ना दुखा, ये खुदा की अमानत है माँ, तेरी दुश्मन नहीं तेरी सच्ची ही दौलत है माँ, तेरी दुश्मन नहीं तेरी सच्ची ही दौलत है माँ।